Now our next heading is Fraunhofer diffraction at a single slit. In Fraunhofer diffraction, we know that the source and screen are at infinite distance. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि Fraunhofer जो diffraction होता है उसमें सोर्स और स्क्रीन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ऑब्स्टेकल एंड द वेव फ्रंट इज प्लेन. ओके, तो यहां पे हम डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको कि सपोज द पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली अपॉन ए नॉर्मल स्लिट ए बी. आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ए बी इज ए स्लिट जिसकी विड्थ जो है विड्थ है वो है ई, ई इज अवर विड्थ. इफ ए कन्वर्जिंग लेंस कैपिटल एल इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम, जो लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है उनके बीच में कोई एक लेंस रख दी जाए जो कन्वर्ज करे, लेंस कन्वर्जिंग लेंस है जो लाइट को कन्वर्ज करेगी, तो क्या होगा, द रियल इमेज ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन एम एन इन द फोकल प्लेन ऑफ द लेंस. लेंस के फोकल फोकल यानी कि जो लेंस होगा उस पे यहां पे आके हमको इमेज मिलेगी, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है इस स्क्रीन पे हमको इमेज दिखाई देगी. तो हमको अकॉर्डिंग टू द हाइगन थ्योरी हम जानते हैं कि ईच पॉइंट ऑफ द ए बी जो सोर्स से निकलने वाली जो पहली लेंस है वो क्या करती है, लाइट को पैरालाइज करती है, पैरेलल करती है, और वो पैरेलल बीम कहां निकलेगी, किस पे अटैक कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, द लाइट इज डायरेक्टली अटैक टू द स्लिट. तो स्लिट से जो बाहर जाने वाली, स्लिट से जो निकलेगी लाइट वो सेकेंडरी वेवलेंथ कहलाती है. ये याद रखने वाली चीज है कि जो भी लाइट जो स्लिट से निकलती है वो सेकेंडरी होती है. तो दे रेनफोर्स ईच अदर एंड प्रोड्यूस ए ब्राइटनेस एट पॉइंट ओ, वो डायरेक्ट यदि जाती है तो पॉइंट ओ पे पहुंचती है जहां पे ब्राइटनेस हमको मिलेगी ऑन द एक्सिस ऑफ द स्लिट. द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. हमको क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है. लेट अस फाइंड आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी एनी पॉइंट, सपोज द पॉइंट विल बी पी. तो इस पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी हमको निकालनी है. एट एनी पॉइंट पी एबव ऑन द स्क्रीन वेयर सेट ऑफ रेज इज डिफ्रेक्टेड थ्रू एन एंगल थीटा, थीटा एंगल के थ्रू वो डिफ्रेक्ट हो रहे हैं. तो हमको कितना पार्ट डिफरेंस हमको दोनों के बीच में, तो हमने दिया है कि ड्रॉप वे परपेंडिकुलर ए ई, ए से ई हमने एक लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ए टू डिफ्रेक्टेड बीम. तो ए ई जो है कॉन्स्टिट्यूट द डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट एंड बी ई इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ स्लिट ए बी. तो हमको क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव वेवलेट्स फ्रॉम ए टू बी इन डायरेक्शन थीटा. तो ए और बी से निकलने वाली जो रेज हैं जब वो बिंदु पी पे पहुंचेंगे, पॉइंट पी पे, तो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा. तो हमको ये पता है जो ए और ई जो पॉइंट है ये दिखा रहे हैं पार्ट डिफरेंस. तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, पार्ट डिफरेंस यानी बीई, हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आया बीई, इस बीई को हमको निकालना है कितना होगा. बीई इज इक्वल टू हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से एंगल से देखिए ए बी ई, एंगल ए बी ई से देखेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी साइन थीटा. और ए बी क्या है, विड्थ की चौड़ाई है, यानी ए बी इज इक्वल टू है ई. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा. तो हमको कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकालना है, फेज, तो फेज डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू हमको पता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है फॉर्मूला. तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस कितना है, ई साइन थीटा जो हमने ऊपर निकाला है.
This is PD. Right? तो ये हमारा फेज डिफरेंस निकल के आ गया. अब हम ये मान के चलते हैं कि जो स्लिट लिए हैं दैट स्लिट इज डिवाइडेड इंटू एन स्मॉल एन इक्वल पार्ट. बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है एन, और हर एक पार्ट जो है ईच पार्ट फॉर्म एन एलिमेंट्री सोर्स. एक एक पार्ट एक एलिमेंट्री सोर्स की तरह काम करेगा. सो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट पॉइंट पी ड्यू टू द वेव फ्रॉम ईच पार्ट विल बी द सेम. तो जो स्लिट को जो हमने एन भागों में डिवाइड किया है तो उसके एक एक पार्ट से निकलने वाले वेवलेट्स जो होंगे एलिमेंट्री सोर्स के रूप में काम करेंगे, तो वो सब जो एलिमेंट्री सोर्स हैं जब बिंदु पी पे मिलेंगे तो उनके वाइब्रेशन जो निकलने वाले वाइब्रेशन उनके एम्पलीट्यूड बिंदु पी पे सबके एक जैसे होंगे. मान लो इक्वल जो होंगे तो ए है स्मॉल ए, स्मॉल ए इज द एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रॉम एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पार्ट इज. तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमको निकालना है फेज डिफरेंस निकालना किसी भी दो के बीच में, यानी कि वन अपॉन एन यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड कर देंगे. हमने टोटल नंबर ऑफ ये था फेज डिफरेंस हमारे कितना 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा. हमारे पास एन पार्ट है तो एन से हमने डिवाइड कर दिया. तो ये मान लो सपोज डी के बराबर होता है, ये हम मान के चल रहे हैं. ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको निकालना है. तो यहां पे एक चीज का याद रखना कि हम यहां जो फार्मूला लेंगे पॉइंट पी पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो फार्मूला हम यहां डायरेक्ट ले रहे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो डायरेक्ट हमने पुट करेंगे तो आर होता है आर इज इक्वल टू ए साइन एन डी बाई टू ओके अपॉन साइन डी बाई टू ये राइट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन ए साइन, ठीक है ए साइन तो है एन की वैल्यू हमको रखना है एन तो एन एन ही रहेगा. तो आप यहां से आप देख सकते हैं एन की वैल्यू कैसे निकालें, एन इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो कितना होगा ये आपको देखना है. दोनों की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू हमको पता है, डी की जगह डी की वैल्यू रख दीजिए आप. तो डी की जगह वैल्यू रखेंगे तो कट फिट के क्या आ जाएगा हमारे पास पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा अपॉन साइन पाई ई साइन थीटा अपॉन एन लैम्डा ये आया. तो सपोज हम ये मान के चल रहे हैं इसको थोड़ा सा और इजी करेंगे तो हम थोड़ा सा पाई ई साइन थीटा को कुछ हम मान लेते हैं पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वेशन को छोटा करने के लिए अल्फा के बराबर मान लिए. तो देन क्या हो जाएगा कैपिटल आर आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फा बटे साइन अल्फा अपॉन एन. ठीक है, चूंकि यहां पे अल्फा अपॉन जो एन है इज वेरी स्मॉल, दोनों का जो रेशो है बहुत छोटा है, छोटा होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा मान लिया जाएगा, बहुत छोटा है यहां पे ये बताना. तो साइन अल्फा अपॉन एन को डायरेक्ट हम अल्फा अपॉन एन लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया ए साइन अल्फा बटे अल्फा अपॉन एन. तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा. ठीक है, तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गया. ठीक है, तो इसमें हम सपोज ये मान के चल रहे हैं कि एक कंडीशन अप्लाई करेंगे यहां पे, वो कंडीशन n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए होगा. द कंडीशन इज इफ
एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यदि एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक हो जाए तो ए की वैल्यू कहां तक चली जाएगी, एम्पलीट्यूड जीरो तक। बट जो प्रोडक्ट है हमारा ऊपर इक्वेशन में एन ए, वो कांस्टेंट ही रहेगा। एन ए जो है, एन ए की वैल्यू जो है रिमेन कांस्टेंट नहीं होगी। तो एन ए को हम कुछ मान लेते हैं, एन ए इज इक्वल टू ए या ए नॉट ले लो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, आर इज इक्वल टू ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये निकल के आया हमारा एम्पलीट्यूड, और हमें पता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होता है, आई जो है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वेयर साइन अल्फा अपॉन एल्टा टू द पावर होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द फोकल प्लेन ऑफ द लेंस इज ए फंक्शन ऑफ एल्फा एंड हेंस ऑफ थीटा, सो वी ऑब्टेन ए सीरीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमको जो पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी मिल रही है वो मैक्सिमा भी हो सकती है, वो मिनिमा भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन हमको अलग अलग हमको निकालने हैं कि वो कंडीशन क्या हो सकती है। तो जैसे कि सबसे पहले हम कंडीशन निकालेंगे, तो कंडीशन सबसे पहले निकालेंगे कंडीशन फॉर मिनिमा के लिए, कि मिनिमम कंडीशन कब हो सकती है, डार्क कब होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्लियर है, इट इज क्लियर दैट इक्वेशन फर्स्ट की इंटेंसिटी इज जीरो कब होगी, व्हेन साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे एक चीज डिस्कस कर लें कि बट अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो यानी कि साइन अल्फा अपॉन अल्फा की जो वैल्यू होती है वन होगी। कब होगी, जबकि अल्फा जो है जीरो के बराबर हो जाए। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो कब होगा, या हम इसको डायरेक्ट जनरल फॉर्मूले में लिखें तो अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। एन क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इंटीजर है, एक्सेप्ट जीरो। तो दिस इज द मिनिमम कंडीशन, एन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। तो लेकिन हमको पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बट वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा। सो द पोजिशन ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा, सो मिनिमा पोजिशन कितना जाएगा, मिनिमा की पोजिशन हम निकाल सकते हैं स्पेशली, तो पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था एन की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो एन पाई हम इसको ले लेते हैं, राइट। तो दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। तो मिनिमा की ये कंडीशन निकल के आई, यानी कंडीशन क्या हो सकती है, प्लस माइनस लेमडा हो सकती है, प्लस माइनस टू लेमडा हो सकती है, प्लस माइनस थ्री लेमडा हो सकती है, सो ऑन। तो दिस इक्वेशन गिव द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन तीन अलग अलग ऑर्डर के हम मिनिमा निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कंडीशन। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए कैसे निकाल सकते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा हमको निकालना है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा जिस ढंग से हमने मिनिमा हमने फाइंड आउट किया है, सिमिलरली हमको मैक्सिमा भी हमको निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या होगा, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी इन द डिफ्रेक्टिंग पैटर्न में जो हमारा आ रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंटिएट करना पड़ेगा। लेट अस डिफरेंटिएट आई विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, यानी डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये हमको प्रूव करना है यदि हमको मैक्सिमा निकालना है। तो उसको किस ढंग से प्रूव किया जा सकता है, वन बाय वन स्टेप हम देखेंगे। तो डी डी हमको पता है डी अपॉन डी अल्फा, आई की वैल्यू हमने निकाला था
क्योंकि i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, इक्वेशन फर्स्ट से हम देखेंगे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे, i की वैल्यू रखो ए स्क्वेयर साइन अपॉन अल्फा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर तो आपका कॉमन है यानी कि कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा, 2 sin alpha हो गया, 2 sin alpha upon alpha। फिर उसके करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बटे अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, राइट। सो हमारी इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन हमारी आई उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, तो आइदर साइन अल्फा 0 होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, या दूसरी कंडीशन हमारे पास आया एल अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा वो 0 होगा। सो द इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू 0 गिव्स द वैल्यू ऑफ अल्फा एक्सेप्ट 0 फॉर विच द इंटेंसिटी 0 ऑन द स्क्रीन, हैंस द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा आर गिवन बाय द रूट ऑफ द इक्वेशन। जो रूट ऑफ द इक्वेशन होगा उससे हम इजिली हम उसको निकाल सकते हैं। तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारा जो निकला है, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी, टेन अल्फा। ये दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इक्वेशन को हमको प्लॉट करना है ग्राफिकली, दिस इक्वेशन इज सॉल्व ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग द कर्व। तो प्लॉटिंग जब कर्व करते हैं तो उस प्लॉटिंग कर्व के अनुसार हमको द वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइड द एबव इक्वेशन ग्राफिकली हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक इक्वेशन आता है वाई इज इक्वल टू अल्फा एंड वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो कहां कहां पर से वो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे ग्राफिकली, हम उसको हम देखेंगे कि ग्राफिकली क्या पॉइंट हो सकते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व गिव्स द रूट ऑफ इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। द इक्वेशन इज द स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपको ग्राफ में दिखाया गया है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्सिस, वाइल द सेकेंड इज डिसकंटिन्यू हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है डिसकंटिन्यू कर्व ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारे एसिम्प्टोट्स निकलेंगे एट इंटरवल अल्फा इज इक्वल टू पाई के इंटरवल में बहुत सारे निकलेंगे। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से होंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तो इस ढंग से बहुत सारे होंगे। तो इन जनरल हम बोलेंगे तो जनरल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 2n+1π/2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इनको रखते जाएं तो हमको वो इंटेंसिटी मिलते जाएगी, रेशो किस अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको पता है आई इज इक्वल टू होता है ए नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा, आई इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर, ये हमारा इक्वेशन था, राइट। इस इक्वेशन में हमको पुटअप करना है अल्फा की वैल्यू, तो सबसे पहले आई नॉट निकालेंगे यानी अल्फा टेंड्स टू 0 के लिए निकाल रहे हैं, राइट। तो कितना हो जाएगा, ए नॉट स्क्वेयर 0 के लिए रखने तो साइन 0 हो जाएगा बट 0 का होल स्क्वेयर यानी कितना आ गया, ए नॉट स्क्वेयर, राइट। आई वन निकालेंगे दूसरे के लिए, जब दूसरे के लिए निकालेंगे तो कितना, दूसरा के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3π/2, वैल्यू ऊपर दी हुई है आपको, आपको देखते चलना है ए नॉट स्क्वेयर साइन 3π/2 अल्फा की वैल्यू है ना, राइट, और नीचे भी 3π/2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/4π² ए नॉट स्क्वेयर यानी ये टोटल आ रहा है ए नॉट स्क्वेयर बाई 22, क्लियर।
आई टू की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा टेंड्स टू 5π/2, ए नॉट स्क्वेयर साइन 5π/2 बटे 5π/2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन आता है 4/25π² ए नॉट स्क्वेयर, यानी कि वैल्यू आ रही हमारी ए नॉट स्क्वेयर बाय 61। तो इस ढंग से बहुत सारी क्वेश्चन निकलेंगी। सो द इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा आर कितने होंगे, इंटेंसिटी मैक्सिमम तो कितनी हो जाएगी, पहला जो रेशो निकाल रहे हैं हम इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी विल बी होगा 1 रेशो कितना आया 9/4π² राइट, फिर 4/25π² इस ढंग से चलते जाएगा, फिर 4/49 आएगा πr². तो दिस इज क्लियरली मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रिंसिपल मैक्सिमा विच ऑकर इन द डायरेक्शन गिवन बाई α=0। तो इन कहने का मतलब जो डायरेक्शन होगा वो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में होगा, जीरो के